अपनी पार्टी बनाने, कल भी पूछा था मैंने आपको, आप पार्टी बनाओगे एक क्या? पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, राइट। वो जो है टिकट लेके दो सर्टिफिकेट, एक हमारा सर्टिफिकेट जो मैत्री शरण गुप्त के साइन होगा और एक वो अपने साइन से टिकट लेके जाएगा। उस पार्टी का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, एक तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पार्टिकल पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है। वो जो है सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए है। हमारे मॉडल में ना तो जो है ना उस पार्टी को चुनाव प्रचार करना है, ना होर्डिंग लगाना है, राइट। और चूंकि आप हमारे ऐप से जुड़े होंगे तो वो उसका जो है ना डिटेल कंटेंट निशान क्या है और आपका चंद्रगुप्त कौन है वो हम आपको जो है ना भेज ही देंगे, राइट। जो आपकी पर्ची होगी उस पर्ची का फोटो जो है अलोंग विथ के आपका वो कहाँ पर है उस पर गोला बना के आपको यहाँ पे जो है ना मशीन का बटन दबाना है, ये हम आपको भेज ही देंगे, राइट। तो फिर हमें कहीं पेपर पे छपवाना, होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या, जब हम वन टू वन आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे तो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑलरेडी है तो आपको टिकट मिल गया, इससे हटके हमें उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी तो आपकी सिर्फ मदद कर रही है कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में, इससे ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी आपका कोई हित कर रही है क्या? तो और वो हम आपको अभी भी नहीं बताएंगे, वो हम आपको तब बताएंगे जब आपको जो है ना वो जो वो छप जाएगा ना कि इतने लोग उसमें हैं और उसका नाम कहाँ पे है, तो उसको गोला बना के बताएंगे कि भैया ये चुनाव चिन्ह है, ये नाम है आपके एरिया का, राइट। इस पे इसको चैंप दो, इसको दबा दो। तो आप बताओ, आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम मालूम होने की जरूरत है क्या? नहीं सिंबल नहीं है। नहीं आई एम सेइंग तो नहीं तो हाँ, वो आई तो गॉट योर पॉइंट। इफ यू नो सिंबल देन यू डोंट नीड टू नो योर हाँ, पार्टी। आपको अपने चंद्रगुप्त का नाम मालूम होगा, उसका सिंबल क्या है वो उसके सामने छपा होगा और वो किस सीक्वेंस में है वो भी छपा होगा, तो आपको जो है ना वहां पे ईवीएम मशीन में भी उसे खोजना नहीं पड़ेगा। और आपको बार बार ये भी कहा जाएगा कि जो है ना जो जो पेपर ट्रेल निकले उसे ध्यान से देखना, और नहीं तो जो है यदि जो है इमीडिएटली लिखना है कि मेरा जो है ना नंबर ये था और मैंने मेरी पेपर ट्रेल में जो है हमने इसको वोट दिया और हमें पेपर ट्रेल में ये नहीं दिखा। तो हमारे पास इनडायरेक्टली पूरी काउंटिंग होगी कि कितने लोगों ने हमको वोट दिया है, हम फिजिकल काउंटिंग कराने की स्थिति में आ जाएंगे यदि ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो। यदि ये सॉफ्टवेयर से गलत इन्फ्रेंस निकालेंगे तो मैथिली शरण गुप्त इनको गलत इन्फ्रेंस नहीं निकालने देंगे। ये बात देखो, आप सोच की गहराई देखो। अब आपको जो है ना आपकी बात का जवाब मिल गया क्या? नहीं, आपको पॉलिटिकल पार्टी का जवाब मिल गया? अप टू सम एक्सटेंट। आपका नहीं तो जो एक्सटेंट बचा है वो भी पूछ ही लो यार, क्यों रहने दो। वीडियो देखने के बाद पूछूंगा ओके यूट्यूब। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मेरे ख्याल से हम अपनी बात को अभी थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, थोड़ी देर से मैं आपको फोन लगाऊंगा और हम मछली की आंख पे बात करेंगे, है ठीक। ना। और ये कल तक पब्लिश हो जाएगा तो इसका वीडियो जो है ना आपको क्राइम फ्री भारत में मिल जाएगा, तो आप अपना वीडियो देख के भी जो क्लिप आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो 1 मिनट की क्लिप आप को उसमें पूरे वीडियो में डाल करके यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि हमारा पूरा डिस्कशन दो तीन बातों पे समेट जाना चाहिए कि हमारे राजनेताओं ने 75 सालों से हमारे साथ ये किया है, इन्होंने जो है ना इवन चपरासी जितनी जो है सच्चरित्रता है वो भी नहीं रखी है, पूरी दुष्टता हमारे ऊपर लादी हुई है, गलत व्यक्तियों को टिकट देते हैं, और 75 साल के बाद भी जो अंग्रेजों ने हमारे हमको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए कानून बनाए थे, इन दुष्टों ने वही कानून आज भी हम पर थोप के रखे हैं। दिस इज वन थिंग, राइट। सेकंड, हमको इतनी बात कहना है कि भैया इसमें अपन किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, इट इज ए ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कंपटीशन, तो हम अपने को वोट दे रहे हैं, लिहाजा जो है हम कम से कम इन दुष्ट राजनेताओं से सर्टेनिटी के साथ जो है छूट वो पा जाएंगे, करेक्ट, हाँ या नहीं। तीसरी बात है कि जो ये दुष्ट राजनेता कर रहे हैं और अच्छी बात इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है, इससे जो आज स्थिति है इससे इंक्रीमेंटली बेहतरी होगा।
ठीक है, यदि बहुत जो हम कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, कर मुक्त भारत हो जाएगा, एक मिनट के लिए मान लें कि कुछ भी नहीं होता है, राइट, तो भी हालात आज की स्थिति से तो बेटर होंगे। यदि जो है ना आपने कानून में प्रावधान कर दिया कि डिलेड डिसीजन लोगे या गलत डिसीजन लोगे तो आपको कंपनसेशन देना होगा, ये मशीनरी गलत निर्णय लेने की स्थिति में आएगी क्या? क्या ये लाट साहब से जो है ना पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। तो जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको नेतागिरी का कोई काम नहीं करना है, आपको कोई चुनाव प्रचार में नहीं निकालना है, कोई होर्डिंग नहीं जाना है, कोई टीवी डिबेट नहीं होना है, किसी पेपर में नहीं आना है, और फिर भी सर्टेनिटी से जीत जाना है, और आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो केवल एक स्लोगन अजमाएं फिर विश्वास करें, इसमें क्या दिक्कत है? और वो भी जो है ना 10 तारीख को जो है ना लॉक हो जाएगा और 13 तारीख को चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे, तो बहुत दिनों का क्या इंतजार है क्या? नहीं, ज्यादा दिनों का नहीं है ना। अब आप बताओ, ये यदि हम सिर्फ 4 लाइनों की बात करें और इसके साथ ही हम अपना डिस्कशन जो है ना यदि समेट लें, तो अधिकांश लोग अपना डिसीजन दे ही देंगे कि वो पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब, शाम को हम देखेंगे आपने 10 10 लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, और बाहर के लोगों को नहीं जोड़ो, पहले स्टार्ट फ्रॉम होम। यदि घर के 5 सदस्य हैं तो 5 को वो जोड़ लो, आसपास के जो है ना घूमने घामने जहां जा रहा है 5 लोगों को जोड़ दो, तो 10 तो जुड़ गए, और 10 लोगों को जोड़ते ही आपने 99% जर्नी कंप्लीट कर ली। 99% जर्नी हैज बीन कंप्लीटेड, भाई साहब बात समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि बस इतनी छोटी सी बात पे फोकस करोगे, यदि आप लंबी बात करोगे